हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इंस्टाग्राम पर का न्यू अकाउंट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आप अपने मोबाइल में मतलब इंस्टाग्राम की एक नई आईडी बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखें और दोस्तों आप सीख जाएंगे कि हम किसी भी मोबाइल में इंस्टाग्राम पर मतलब एक नई आईडी कैसे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपली आप लिए करना, सबसे पहले आप लिए प्ले स्टोर से इंस्टाग्राम है इसे मतलब डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से पहले से ही इंस्टाग्राम है इसे डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो सिंपली आप लेना है यहाँ पे ओपन वाला ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस मतलब देखने के लिए मिलेगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट का ये ऑप्शन देखने मिलेगा। आप जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वाला, तो सिंपली आप लिए करना है इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से मतलब सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ से मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, अगर मोबाइल नंबर नहीं डालना चाहते, ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो आप नीचे ईमेल एड्रेस वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके ईमेल आईडी डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, सिंपली ईमेल आईडी डालने के बाद आपके नीचे नेक्स्ट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद आपने जो ईमेल आईडी डाली है उस पर एक कन्फर्मेशन कोड जाएगा। ठीक है, तो आप लिए वो कोड यहाँ पे डाल देना, उसके बाद जो आपकी ईमेल आईडी होगी वो यहाँ से पड़ जाएगी। ठीक है, अगर आप मोबाइल नंबर डालते हो तो आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, तो उसी के बाद जो आपकी ईमेल आईडी मतलब मोबाइल नंबर कन्फर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कोड आ चुका है 6359940। ठीक है, तो सिंपली आप लिए यहाँ पे वो कोड डाल देना। ठीक है, 6359940 कोड डालने के बाद सिंपली आपने नीचे यहाँ पे नेक्स्ट का ये ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम लोडिंग होगा, फिर यहाँ पे एक नया इंटरफेस मतलब शो हो जाएगा, फिर यहाँ से मतलब डायरेक्ट एक नया पासवर्ड मांगा जाएगा। ठीक है, तो आप जो अपनी इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो वो आपके लिए पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक पासवर्ड डाल देते हैं। सिंपली मैंने अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड डाल दिया है जो मैं बनाना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जब हम यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे तो एक नया इंटरफेस मतलब शो हो जाएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा सेव योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन नॉट नाउ या फिर सेव, तो हम यहाँ से सेव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपके लिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, जो आप डेट ऑफ बर्थ मतलब सिलेक्ट करोगे वो आपके लिए सिलेक्ट कर देनी है। ठीक है, यहाँ से आपके लिए ईयर सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद यहाँ मंथ सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके सेट कर देते हैं। फिर यहाँ से नेक्स्ट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आपके लिए पूछा जाएगा मतलब फुल नेम, जिस नेम से आप आईडी बनाना चाहते हैं वो आपके लिए यहाँ पे नाम डाल देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, मैंने यहाँ नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद जो आपका यूज़र नेम होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ इस तरह का बन के आएगा, तो आप लिए यहाँ से हटाना चाहते हैं इसे हटा देते हैं। उसके बाद हम जो अपना यूज़र नेम रखना चाहते हैं वो हम यूज़र नेम रख देते हैं। ठीक है, तो आप लिए यहाँ पे उसके मतलब पीछे जो नाम रखना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे डाल देना है। अगर नाम डालते हुए आपके लिए यहाँ पे कुछ इस तरह का मतलब प्रॉब्लम आती है, द यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है, तो क्या करना है आप लिए उसके पीछे जो आप नंबर डाल रहे हो यहाँ पे, जैसे कुछ नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे मैंने नंबर डाला ही है, तो ये आपके लिए यहाँ से और क्या करना, पीछे और नंबर डाल देने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पीछे और नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ से ये प्रॉब्लम हट जाएगी। ठीक है, मतलब जो यूज़र नेम अगर किसी और के पास है वो आपके लिए यूज़र नेम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपके लिए कुछ यूनिक नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आपके लिए आई एग्री पूछा जाएगा, तो आप आई एग्री कर देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ से टर्म एंड कंडीशन मतलब पॉलिसी थी उसे हमने आई एग्री कर दिया इंस्टाग्राम की। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आएगा, ऐड प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, तो दोस्तों अपने नए यहाँ से प्रोफाइल लगाना चाहते हैं तो आप लिए ऐड पिक्चर पर क्लिक करके यहाँ से मतलब अपनी गैलरी से फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से नीचे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से अभी के लिए स्किप कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, आपका जो यूज़र नेम होगा यहाँ पे कुछ इस तरह से मतलब लिख के आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आना है, यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। आप अपने कॉन्टैक्ट को अलाओ मतलब परमिशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, वरना यहाँ से हम डोंट अलाओ कर देते हैं। उसके बाद सिंपली अपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड में, किसी को व्हाट्सअप पे। ठीक है, वरना आप यहाँ से नीचे स्किप कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ से स्किप कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना है आपके लिए, यहाँ पे ये एरो वाला ये ऑप्शन आ रहा है, आप लिए इस पर ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, साइड में जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इंस्टाग्राम होगा यहाँ से सिंपली मतलब जो आपकी इंस्टाग्राम की न्यू आईडी होगी बनके रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ना अपने प्रोफाइल पे आओगे तो यहाँ पे नीचे क्लिक करोगे तो आपको जो नया आईडी बनके आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 0 फॉलोवर 0 फॉलोइंग है अभी। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी को मतलब फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अपने किसी फ्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं मतलब सेलिब्रिटी को, आप यहाँ से फॉलो वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके मतलब फॉलो कर सकते हैं। तो फाइनली आप इस तरह से इंस्टाग्राम की एक न्यू आईडी बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए बता दिया कि आप इंस्टाग्राम का
एक नया अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की नॉलेजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर देखने के लिए मिलती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।